देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये चीज़ बताई थी कि H2SO4 यानी कि जो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर है इसको हम लोग बेसिकली दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, है ना। जो मैंने आपको बताया था कि H2SO4 की पढ़ाई को दो पार्ट्स में आप करने वाले हो, तो जो पहली पढ़ाई है वो बेसिकली ये है कि H2SO4 को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग एक ही प्रोसेस को डिटेल में पढ़े हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। आपने इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा है, सही कह रही हूँ मैं? ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हम इसको दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। दूसरा पार्ट इसका होगा आपका स्ट्रक्चर, कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसा वो लुक है टाइप। मतलब सेकंड बात में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस की, कि कैसी कैसी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, किन किन के साथ ये कैसी कैसी रिएक्शन करता है, और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, बराबर। तो आज हम लोग यही आपका पार्ट टू पढ़ने वाले हैं जिसमें हम H2SO4 का स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस इनमें जा रहे हैं। तो देखो, अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, ये जो आप लोगों की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में एक्चुअली इस पर्टिकुलर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए। जैसे दो बहुत ही फेमस फर्टिलाइजर्स हैं, एक होता है आपका अमोनियम सल्फेट। तो जैसे अगर आपको ये अमोनियम के पीछे अभी ये जो सल्फेट आया है, ये सल्फेट यानी कि SO4, इसको लाया कहाँ से गया है, तो ज़रूर H2SO4 की मदद ली गई होगी भाई, तो दैट इज़ अमोनियम सल्फेट वहाँ से आया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप बेसिकली किसको यूज़ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री होती है, ठीक है, डिटर्जेंट ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कंपेयर टू सोप, ठीक है। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता, झाग नहीं बनाता, ठीक है, डिटर्जेंट जो है वो कर लेता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद तुमको भी याद होगा, हमने वहाँ पे एक लेड स्टोरेज सेल पढ़ा था। लेड के बड़े बड़े रॉड्स डिप किए जाते थे इन 38% सोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, शायद 38 था कि 58 था, आई एम नॉट श्योर, बट कंसनट्रेटेड H2SO4 में आप उसको डिप करते थे। तो बेसिकली बैटरीज में भी आप इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है सिर्फ डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिफाइनिंग जब उनकी होती है तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर भी आप इन लोगों को यूज़ करते हो। तो एक्चुअली में H2SO4 का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ये केमिकल्स की दुनिया का राजा है भैया, किंग पिन है ये इंसान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पेंट इंडस्ट्री होती है, पेंट्स बनाना, डाइज बनाना, ठीक है, इन जगहों पे भी H2SO4 यूज़ होता है। गूगल करोगे तो तुम्हें और यूजेस मिल जाएंगे। हम लोगों को यूजेस के ऊपर PhD नहीं करनी है कि H2SO4 के कौन से यूजेस हैं कौन से यूजेस नहीं है ना। हमारी PhD हमको उसमें नहीं लेने की है। फिर क्या कहना चाह रहे हो फिर आप? हमें ये कहना चाह रहे हैं इतना H2SO4 का इमेंस यूजेस है। अब बात करते हैं H2SO4 के स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि आखिर H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग H2SO4 के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। चलो, तो पहले प्रॉपर्टीज़ वाली हेडिंग डाल देते हैं कि बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ऑन प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक की जो पहली सब हेडिंग है वो है बेसिकली आप लोगों का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं तो ऐसे केस में सल्फर होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको स्ट्रक्चर किसका बनाना है, H2SO4 का। मैं कई बार बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन अगर बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, या फिर सिंगल बॉन्ड बना लेगा बट उसके साथ उसको फिर एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा।
अब क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो आपके पास में जो एक ऑक्सीजन था उसने सिंगल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड उस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। एक और ऑक्सीजन था उसने भी सिंगल बॉन्ड सल्फर के साथ बनाया और दूसरा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ऐसा नहीं होगा कि कभी ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसको ओवरऑल दो बनाने हैं, या तो वो दोनों डबल बॉन्ड डायरेक्टली इस तरीके से सल्फर के साथ बना ले, या फिर वो एक तरीके से क्या करे आप लोगों का बनाए किसके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कई लोगों को देखने पे लग रहा होगा कि मैडम ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। अपनी आंखों पे विराम लगाओ, ये एंगल 90 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँ तो देखो सेंट्रल एटम की काउंटिंग कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, सेंट्रल एटम ने। तो ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा। कोई लोन पेयर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैडम लोन पेयर्स? सल्फर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बोलो कितनी होती है? 6। सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी दे सकता है बोलो? 6। क्या सल्फर ने यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी कर ली है? बिल्कुल कर ली है। आप चेक करिए कैसे, ये देखिए एक, अच्छा ब्लू वाला हटा देते हैं, हाँ ये देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन, ये चार, ये पाँच और ये 6। तो इसीलिए यहाँ पे सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर्स नहीं है। इसके पास टोटल क्या है आपका जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसके पास 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर्स है। तो टोटल कितना हुआ? 4। जब टोटल 4 होता है तो उसको हम लोग कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको ज्योमेट्री कैसी दिखेगी? टेट्राहाइड्रल। और आइडियली जब एक टेट्राहाइड्रल दुनिया में जन्म लेता है तो एक आइडियल टेट्राहाइड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली ये वाला बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि रिपल्शन, लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर का, बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है, बट आइडियली बॉन्ड एंगल 90 तो नहीं होगा। ठीक है, जैसा अगर किसी को फीलिंग भी आ जाए कि मैडम ये 90 डिग्री है, तो नहीं है यार, 90 डिग्री नहीं है, जो भी होगा 109 के आसपास का कुछ होगा। ठीक है, तो H2SO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। उसका सेंट्रल एटम सल्फर है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चर वाइज बातचीत। दूसरी बातचीत यहाँ पे ये आती है, इसी स्ट्रक्चर में ही एक और बातचीत यहाँ पे और आती है कि मैडम यहाँ पे कौन सी प्रकार की बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। तो आई थिंक मैंने SO2 वाला जब तुम्हें पढ़ाया था टॉपिक, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि देखो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड वालों के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनमें से किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। उनके पास एक ही आखिरी ऑर्बिटल होता है, वो है उनका पी, मतलब मैक्सिमम उनकी औकात पी तक की है। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, जब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहे होते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन क्या यूज़ करता है? बेसिकली अपने पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है। सल्फर क्या कर सकता है? सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास एस सबशेल भी है, उसके पास पी ऑर्बिटल भी है, उसके पास डी ऑर्बिटल भी है। अब फ्लो फ्लो में ये मत बोल देना मैडम उसके पास एफ ऑर्बिटल भी है। एफ ऑर्बिटल आप लोगों का कहाँ से शुरू होता है सोचो जरा, एफ ऑर्बिटल नहीं होता। खैर, तो ये जो सल्फर है ये अपने पी को भी यूज़ कर सकता था, कि जैसे ओ ने किया वैसे सल्फर अपने पी को यूज़ कर लेता, बट नहीं, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड का मतलब वो डबल बॉन्ड, तो बेसिकली वो अपने खाली पड़े हुए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को। इसीलिए चाहे आप SO2 का स्ट्रक्चर पढ़ें या चाहे आप H2SO4 का स्ट्रक्चर पढ़ें, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आपको कैसी वाली बॉन्डिंग दिखती है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है? इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सल्फर अपना क्या यूज़ करता है? वैकेंट डी। कई लोग कहते हैं डी पाई डी पाई, कई लोग मतलब स्टूडेंट्स ही कहते हैं, पढ़ाने वाला तो कोई नहीं कहेगा,
बट ऑक्सीजन कैसे डी डी कर सकता है यार, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, डी क्या यहाँ से कर लेगा फिर वो। फिर तो ये हो गई दो बातचीत स्ट्रक्चर को लेकर। अब हम लोग थोड़ी शक्ल सूरत के बारे में भी बात कर लें कि आखिर H2SO4 दिखता कैसा है, H2SO4 की स्मेल कैसी है, H2SO4 की मतलब क्या कहते हैं अपीरियंस कैसी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि पहली बात तो ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। अगर आप इसकी अपीरियंस की बात करें तो ये थोड़ा सा ऑयली ऑयली है, मतलब एकदम एक्सट्रीम तेल के जैसा, जैसा घर में आपके तेल होता है वैसा, एकदम वैसा ऑयली नहीं है, बट एज कंपेयर टू अदर एसिड्स ये ऑयली होता है। अगर आप बुक वगैरह को रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स में इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेंसिटी, ये सब वैल्यू भी दी हुई रहेंगी, ठीक है, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना है ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, और उसके बाद ई, ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, तो क्योंकि एक एसिड है तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट का मतलब क्या, देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, H2SO4 बनाकर देती हैं एकदम कंसंट्रेटेड वाला, खतरनाक कंसंट्रेटेड, ठीक है, 99.99% वाला ये बनाकर देती हैं। अब मान लेते हैं मुझे इतने कंसंट्रेटेड H2SO4 की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरे को चाहिए थोड़ा डाइल्यूट पतला H2SO4, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एसिड में या कोई भी दूसरा केमिकल अगर मेरे पास है, उस पर्टिकुलर केमिकल में हम लोग पानी मिलाते हैं तो हो जाता है डाइल्यूट, है ना, वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। बट एसिड्स या बेस दोनों के साथ ही जब आप काम करो, आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि एक पर्टिकुलर बीकर में एसिड रखा है और आपने ऊपर से आके पानी डाल दिया। जैसे कैसा होता है, जो लोगों को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, जैसे मान के चलते हैं कुछ, उन्होंने कोई सब्जी बनाई, उन्होंने कभी कोई दाल बनाई, उन्हें लग रहा है थोड़ी ग्रेवी इसमें कम पड़ जाएगी, वो लोग जाते हैं उसमें पटाक से पानी डाल देते हैं, यही करते हैं, है ना। एसिड या बेस को, ठीक है, डाइल्यूट करते वक्त आपको कभी ऐसा नहीं करना है। या आपने 10th क्लास में सभी ने पढ़ा था कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करते वक्त हमको कभी भी ये वाली हरकत नहीं करनी है, बिकॉज इस प्रोसेस के दौरान हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज आउट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अगर मान लेते हैं बीकर में सिर्फ और सिर्फ पानी ही है और आप थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हो, तो जो भी हीट निकलती है वो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर जाता है और वो आप तक नहीं आने देता उस हीट को। जैसे कैसा होता है, अगर मान के चलिए आपके घर में कोई खाने का सामान बना, एकदम ढका हुआ रखा है गरम गरम, आप अगर उसको जाके अचानक से खोल देंगे तो पूरी भाप आपके मुंह में आ जाएगी ना, और एकदम से हमारे अपने मुंह में गरम लगेगा, अरे यार ये मैंने क्या खोल दिया है ना। तो वैसे ही एसिड जब डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूशन के दौरान बहुत सारी वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक, खतरनाक। अगर नीचे बीकर में पानी होगा तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा भी क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, हीट इवॉल्व होगी, उसकी वजह से वो सारी की सारी हीट पानी क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ भाई, मैं तो पानी हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा हूँ। बट अगर पानी नहीं हुआ, या फिर मान लेते हैं एक एसिड से भरी टोकरी में तुमने अचानक से ऊपर से पानी डाल दिया, तो नीचे तो पानी है ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, नीचे तो वाटर ही अवेलेबल नहीं है, है ना, नीचे तो वाटर ही नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ऐसे में वो सारी की सारी हीट क्या हो जाएगी, तुम्हारे मुंह पर आ जाएगी, ठीक है, एसिड उचक जाएगा इस हीट की वजह से, ठीक है, उस एसिड उचक जाएगा, समझ रहे हो। तो देखना कभी, जैसे आप अगर किचन में खाना बना रहे हो, आपने तेल गरम किया है, गरम तेल में अगर गलती से भी तुम्हारा पानी का छींटा वीटा पड़ जाए और तेल तुम पे उचक जाता है, ये एग्जैक्टली वही वाला केस होता है। इसीलिए डाइल्यूशन करते वक्त हमेशा हमको क्या करना चाहिए,
आपके कंटेनर में नीचे में क्या ले लेना चाहिए, पानी ले लेना चाहिए, और ऊपर से बूंद बूंद किसकी ऐड करनी चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड की स्टरिंग करते करते करते। सिमिलरली अगर आप ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिमिलर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंटेनर में मैं एसिड ले लेता हूँ और ऊपर से मैं पानी डालूंगा, तो ये गलत तरीका है, ये आपको अडॉप्ट नहीं करना है। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो सारी की सारी हीट आप पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की एक छोटी मोटी सी बातचीत थी H2SO4 को लेकर। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि H2SO4 का भैया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंसान को कायदे से स्ट्रक्चर के थ्रू निकालना चाहिए, बट अगर वो स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं निकाल रहा है, वो फॉर्मूले के थ्रू निकाल रहा है, तो कम से कम उस इंसान को इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर से निकाला हुआ और फॉर्मूले से निकाला हुआ सही आ मतलब सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि फॉर्मूला 95% एक्यूरेसी देता है, स्ट्रक्चर आपको 99% एक्यूरेसी देता है। तो खैर, H2SO4 का फॉर्मूले से निकालो या H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर आप किससे निकालो, आप उसके स्ट्रक्चर से निकालो, वो दोनों में ही सेम आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैडम आप स्ट्रक्चर से निकाल रहे हैं कि उसको किस चीज़ से निकाल रहे हैं, है ना। खैर, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेशन करने जाऊँ तो जैसा कि तुम जानते हो क्या हो जाएगा, ये 2+x-8=0। सो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सल्फर की कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जैसा कि मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, मैं तुमको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई, पुरानी क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, सल्फर की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, जो उसकी मैक्सिमम औकात है सल्फर की कि मैं इतना ऊपर जा सकता हूँ, वो उसकी मैक्सिमम औकात है 6 की, ख़त्म। 6 से ऊपर नहीं जा सकता, समझो, मतलब और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है उसके लिए। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को वो क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है। अब जैसे कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो परसेंटेज होते हैं, वो परसेंटेज क्या होते हैं, 100% मैक्सिमम, है ना, 100% मैक्सिमम। तो अगर कोई भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो 100% से ऊपर तो जाएगा नहीं ना, मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, 100 जा सकता है। तो वैसे ही जो सल्फर है, सल्फर की ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान कितनी है, 100, सल्फर की ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान कितनी है, 6 के ऊपर भैया वो बोलता है मेरी औकात ना है, मेरे बस की बात नहीं है जी, आप तो छोड़ ही दो करके, ऐसा बोलता है वो सल्फर। ठीक है, सल्फर ये कहता है। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम 6 है। अब ध्यान से सुनो, वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। अब अगर वो चीज़ मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो और ऊपर जाएगी, क्या वो और मैक्सिमम होगी, बिल्कुल नहीं, वो और मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, है ना, वो और मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो और मैक्सिमम नहीं हो सकती, ठीक है, वो और मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो गया। फिर वो क्या करेगी, देयरफोर इट विल रिड्यूस, ठीक है, इट विल रिड्यूस, वो एक काम और कर सकती है, इट विल रिड्यूस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वो खुद की और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो नहीं सकती लेकिन वो खुद को रिड्यूस कर सकती है। अब थोड़ा सा बेसिक 11th क्लास का रेडॉक्स याद करो, थोड़ा सा बेसिक 10th क्लास का रेडॉक्स याद करो, जो चीज़ खुद को रिड्यूस करती है उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, जो खुद को रिड्यूस कर रही है, खुद को कि हाँ करके मैं खुद को रिड्यूस करूँगी, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देयरफोर H2SO4 एक बहुत ही बढ़िया लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि उसने खुद को रिड्यूस किया और दूसरों को ऑक्सीडाइज किया। यही तो होती है ना 10th क्लास में पढ़ी हुई, 11th क्लास में पढ़ी हुई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, जो खुद को रिड्यूस करे, ठीक है, जो खुद को रिड्यूस करे, दैट इज़ बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसीलिए H2SO4 एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इतना बेहतरीन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जगह जगह H2SO4 दिखता है। ठीक है, जगह जगह आपको H2SO4, स्पेशली अल्कोहल्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनमें आपको H2SO4 भर भर के दिखता है, लो H2SO4 ऐसा थोक के भाव मिलता है H2SO4, समझ रहे हो। तो ये हमने H2SO4 को लेकर एक बेसिक डिस्कशन कर लिया। ठीक है, एग्जैक्ट उसका डेंसिटी, एग्जैक्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तुमको टेक्स्ट बुक से याद करने की नीड नहीं है, ये अननेसेसरी और फालतू डेटा है। ठीक है, ऐसे तो दुनिया में इतने केमिकल्स हैं कि हम सबके डेटा ही याद करते बैठेंगे क्या। खैर, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कशन पे। तीन चीज़ें डिस्कशन करनी थी हमें, हमें डिस्कशन करना था प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो देखो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, है ना, ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो कर रहे हैं। दूसरा डिस्कशन हमें करना था यूजेस, वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम हमारे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरे डिस्कशन पे, वो है केमिकल रिएक्शंस, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ रिएक्टिविटी। ठीक है, किन किन लोगों के साथ H2SO4 कैसी कैसी रिएक्शंस देता है, सिंपल है, किन किन लोगों के साथ H2SO4 कैसी कैसी रिएक्शन देता है, ये बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, जैसा कि अभी मैंने तुमको जस्ट अभी बताया कि H2SO4 क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो अचीव कर चुका है, तो अब वो और ऊपर जाना नहीं चाहता, और चाहता क्या है भैया, उसके बस में नहीं है और ऊपर जाना। 100 मार्क्स के पेपर में 100 में से 100 तुम ले आए हो, और क्या लाओगे यार, और उससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है उससे ऊपर जा पाना तुम्हारा फिर। तो ऐसे केस में वो उसका मैक्सिमम है, यानी कि H2SO4 एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शंस की जब बारी आएगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शंस भी शो करेगा, है ना। साथ ही साथ में H2SO4 की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा वो एक और प्रकार का एजेंट है, और उस एजेंट को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो एक ऐसा एजेंट जो बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, इन रिमूविंग H2O, जो किसी दूसरी चीज़ में से H2O को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, जो दूसरी चीज़ों में से किसको निकालने में हेल्प करता है, H2O, कि अच्छा चलो इसके पास H2O है, H2SO4 को ले आओ, H2SO4 अब भी आएगा बाउंसर बनकर और सारा का सारा लेकर चला जाएगा क्या, H2O। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो भी तुमको स्टडी करनी पड़ेंगी, बराबर, ये भी तुमको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये एसिड है तो तुम तो जानते हो एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जब 10वीं कक्षा में थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके एक चैप्टर हुआ करता था, वहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे तुम लोग, पढ़ते थे ना, फिर तो वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे उसमें आता था कि इस मेटल के साथ ये रिएक्शन होगी, इसके साथ वैसी रिएक्शन होगी, इसके साथ तैसी रिएक्शन होगी, राइट। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है कि अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं तो उनके साथ H2SO4 किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बराबर, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और एक और होती है रिएक्शन, क्योंकि ये स्वयं, ठीक है, क्योंकि H2SO4 भैया स्वयं एक एसिड है, वो बोल रहा है मैं एक एसिड हूँ, और बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ही कूट कूट कर भरी गई है, वो क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बहुत ही कूट कूट के भरी गई है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये महाशय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो कर सकते अगर इन्हें मौका मिले तो। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस, मिसलेनियस का मतलब जिनको मैंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डाला है, बट हाँ उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी दिस 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच हैज बीन शोन बाय H2SO4, जो H2SO4 इन 5 प्रकार के रिएक्शंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इस बारे में अब हमको एक एक करके करके पढ़ाई करना शुरू करना है। तो देखो तुम्हारी मर्जी, तुम किस ऑर्डर में चीज़ों को याद रखना चाहते हो यार, सब तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ लो,
तुम्हारी मर्जी, तो तुम पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ लो, सब तुम्हारी मर्जी। तो शुरुआत एक्चुअली में मैं न्यूट्रलाइजेशन के साथ करती हूँ, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप बचपने से पढ़ते आते हो, 10th class से 9th class से आप पढ़ते आते हो, तो आपको आइडिया रहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है। तो हम लोगों ने सबने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि जब भी दुनिया में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन से जो चीज़ बनती है वो है सॉल्ट प्लस वाटर, और उसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस हिसाब से अब आपका एसिड कौन है भैया, हमारा एसिड है H2SO4, तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसे कोई से भी बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, जो बेस या जो अल्कली तुमको अच्छी लग रही है तुम उसके साथ रिएक्ट करवा लो कि अच्छा इस अल्कली के साथ मेरे को रिएक्शन करनी है, मैं इसके साथ करके देख लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। अब देखो तुम हो क्लास 12th के लड़के लड़कियाँ, तो मैं इतनी तो तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तुमको कम से कम डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शंस लिखने आती हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता है 10वीं 9वीं का काम, तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगी, मैं सिखा दूंगी। बट FB में ऐसा मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज़ पहले से आती है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेते इसको NaOH के साथ रिएक्ट करूँगी, क्या बन जाएगा बताओ, बनेगा सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, Na2SO4, और प्लस आ जाएगा वाटर, ख़त्म। तुम्हारा मन करता है तुम H2SO4 को रिएक्ट करवा दो अल्कली के साथ, लेट से इस बार ये वाली अल्कली उठा के ले आते हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O। तो इनडायरेक्टली आपको 10th class का काम दिया जा रहा है जो कि पेपर में आने भी नहीं वाला है, क्योंकि ये चीज़ तो 10th की है, कोई 12th में क्यों पूछेगा, बराबर, ये तो चीज़ 10th की है, कोई 12th में क्यों पूछेगा। बट इतना ध्यान रखना, एसिड प्लस बेस इज गिविंग यू सॉल्ट प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन थी जो हमने पढ़ ली। किसी भी प्रकार का कोई भी अल्कली आएगा, अगर आपको 10th class की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं आती है तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना, नहीं आती है तो दिक्कत हो जाएगी। खैर अभी आते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखो एक्चुअली ये लोग एक और चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली रिएक्शन हमने इनकी करवा ली किसके साथ, आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। खैर तो इस न्यूट्रलाइजेशन में मैं 2-3 कैटेगरीज बना लेती हूँ। जैसे पहली कैटेगरी हमने किसके साथ रिएक्शन करवा ली, बेस के साथ। आप एक और रिएक्शन करवा सकते हो कार्बोनेट के साथ, है ना, आप एक और रिएक्शन करवा सकते हो बाइकार्बोनेट के साथ। ये सब 10th class का काम है, ठीक है, ये सब 10th class का काम है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। जैसे फॉर एग्जांपल कल को कोई आके ये कह दे कि मैडम हमारे पास H2SO4 है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ, बोलिए प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, Na का कॉम्बिनेशन SO4 के साथ यानी कि Na2SO4, और साथ में बन जाएगा H2CO3, और पूरी दुनिया जानती है कि H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है तुरंत H2O+CO2 में, यानी कि प्रोडक्ट विल बी Na2SO4+H2O+CO2। ठीक है, हो सकता है कल को तुम्हारा मन करे कि चलो मैडम H2SO4 की रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा दो, है ना, चौक होती है स्कूलों में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जरा उस पर थोड़ा सा एसिड डाल के देख लो क्या हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस आप लोगों का H2CO3, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका H2O प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा CO2। तो देखो यहाँ पे भी बन रहा है सॉल्ट, यहाँ पे भी बन रहा है वाटर, बट यहाँ पे थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। ठीक है, वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो कई लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मैडम आपने न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्यों नहीं रख दिया, मतलब क्यों रख दिया। तो भैया मैंने ऐसी जस्ट रख दिया, मेरे को जगह नहीं मिल रही थी रखने के लिए, इसलिए जस्ट मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा क्या, तो इस तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है। ये सादा 10वीं का काम था, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम्हें 12th या 11th class के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही सादा सिंपल 10वीं का काम। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर H2SO4 को मौका मिलेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने का, तो क्या ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, ऑब्वियसली करेगा,
खुद को रिड्यूस कर लेगा और दूसरों को बोलो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज। तो ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब हम लोग H2SO4 को हीट करते हैं, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो H2SO4 हीट होकर टोटल तीन चीज़ों में टूटता है, H2O में, साथ ही साथ में SO2 की गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन में, और यही है वो नेसेंट ऑक्सीजन जो कि क्या करती है, डू ऑक्सीडेशन, यानी कि जो दूसरों का जाके ऑक्सीडेशन कर देती है। मतलब H2SO4 के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, तो वो कंपोनेंट है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन वो कंपोनेंट है जो ऑक्सीडेशन क्या करती है, करवाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कैसे यूज़ करूँ, तो देखो इसके तीन पार्ट्स में हम इसे क्लासीफाई करते हैं। एक, ऐसे मेटल्स के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में, देखो H2SO4 के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम इस H2SO4 को ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो हाइड्रोजन है, ठीक है, बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, मैं शॉर्ट फॉर्म में आदर्श लिख रही हूँ। अब तुमको पता है 10 तक रिएक्टिविटी सीरीज रटे हो, कौन कौन होते हैं बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से छोटे होता है आप लोगों के पास कॉपर, होता है आप लोगों के पास सिल्वर। ऐसे में अगर आप H2SO4 की इसके साथ रिएक्शन कराते हो हीटिंग के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। 10 तक टीचर्स बताते हैं कि क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है, तो इसीलिए इसका आंसर लिख देंगे नो रिएक्शन, बट नहीं, कॉपर के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है, वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है उसके सल्फेट में, ठीक है, खुद कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड खुद को कन्वर्ट करेगा SO2 में, और साथ ही साथ में वहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, वहाँ से पानी भी निकल कर बाहर आ जाता है, वहाँ से पानी भी निकल के बाहर आ जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास सिल्वर है, सिल्वर में आप H2SO4 डालने की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर सल्फेट बनेगा। 10 तक कैसा बोल दिया जाता था कि नहीं 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 बनेगा, नहीं बनेगा, बट बनेगा, सिल्वर का सॉल्ट बनेगा Ag2SO4, एज यूजुअल SO2 गैस बाहर निकलेगी और H2O भी बनेगा। ये SO2 और H2O कहाँ से आया, ध्यान रखना, H2SO4 को जब हीटिंग मिलती है, यानी कि जब भी वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ये दोनों तो रिलीज होंगे ही होंगे, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है जो उस मेटल के साथ रिएक्ट करके उस पर्टिकुलर मेटल को बोलो क्या कर देती हैं, ऑक्सीडाइज करती है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई जो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज में क्या थे, उससे हाइड्रोजन से क्या थे बोलो, कम थे, जो हाइड्रोजन से क्या थे बोलो, कम थे, हमने उनके साथ उसकी रिएक्शन करवा दी। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि आप इसकी रिएक्शन ऐसे मेटल्स के साथ करवा दीजिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से बेसिकली ऊपर है। अब तो मुझको एक बात बताओ, हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन है, ठीक है, अबोव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन हाइड्रोजन से ऊपर है, देयर आर वेरियस एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बहुत सारे हैं, अब किसी को भी उठा के ले आओ। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अच्छा लगता है जिंक, मैं जिंक को ले आई, तो जिंक, ठीक है, ये जिंक हो गया आपका प्लस H2SO4। अब पूरी दुनिया जानती है 10th क्लास तक कि ऐसे में हमेशा ZnSO4 बनता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है बताओ, उनकी रिएक्शन में SO2 गैस बाहर निकलती है। और जब आप ऐसे मेटल्स को यूज़ करते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कल को आप एल्यूमिनियम भी ले सकते थे, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, तो वहाँ पे क्या बनता है, नो डाउट सॉल्ट बनेगा, बट वहाँ पे जो चीज़ बाहर जाती है वो हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है, ठीक है, बराबर। और ऐसे भी कई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोगों के पास गोल्ड, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा नोबल एलिमेंट माना जाता है,
तो अगर आप गोल्ड नोबल एकदम एक्सट्रीम नोबल एलिमेंट की बात कर दो, एक्सट्रीमली नोबल एलिमेंट, तो नोबल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप लोगों का जो गोल्ड है AU, अगर उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो वो नहीं होती। बल्कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि आप लोगों का जो H2 मतलब गोल्ड होता है, अगर आपको उसको डिजोल्व करना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है, एक्वा रेजिया की। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब मैंने मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई, ये तब की बात चल रही है, ये सारा डिस्कशन तब चल रहा है, अबो हाइड्रोजन बिलो हाइड्रोजन वेरी लेस रिएक्टिव, जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अब अभी बात ये है, क्या नॉन मेटल्स के साथ आप लोगों के H2SO4 रिएक्ट करेगी? तो देखो बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, फॉस्फोरस है, सिलिकन है, कार्बन है, एंटीमनी है, आप किसी को भी किसी के साथ भी भैया करवा दो उसकी रिएक्शन, सल्फर है, तो उनके साथ क्या ये रिएक्ट करेगा H2SO4? करता है, बेशक एकदम करता है। अब जैसे मैं उठा के ले आती हूँ फॉस्फोरस को, अब फॉस्फोरस पूरी दुनिया जानती है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2SO4 के साथ, तुम्हारा क्वेश्चन है मैडम क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना, तुमने मेरे को ये डाउट पूछ लिया, मैडम बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अच्छा मैं बता दूंगी फलाना फलाना प्रोडक्ट बनेगा, तुम फलाने फलाने प्रोडक्ट को रट लोगे। मैं कहूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन, ये भी एक नॉन मेटल है, बता दो H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा कर तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तुम उसको रिएक्शन को रट लोगे कि हाँ ये नोट्स कॉपी में है, रट लो, आया तो बता देंगे। तुम बोल दोगे एक और क्वेश्चन कि मैडम कार्बन प्लस H2SO4 को आप इस्तेमाल कर दीजिए, बता दीजिए भैया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर रट लोगे। तो यार ऐसे करते करते तुम कितने केसेस रटोगे, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना कि ऐसा करने पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने पे ऐसा होगा, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ताकि रटने में भी मज़ा आए, ताकि पेपर में जब आए तो मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, मैं रटूँ नहीं ताकि, ठीक है मैं रटूँ नहीं ताकि। तो देखो जब भी आपको नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, जब भी आपको क्या करवानी है नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिकली करवानी है, किसके साथ करवानी है H2SO4 के साथ, तो आपको कुछ बेसिक नियम कायदे आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक नियम कायदे। कि पहला नियम कायदा नंबर एक, अगर उस पर हम लोग डिस्कशन करने चलें तो नियम कायदा नंबर एक, आपको जो भी नॉन मेटल दिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर नॉन मेटल का आपको तुरंत क्या बना लेना है, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका एक फॉर्मूला, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, उस पर्टिकुलर ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है एसिड में, उस ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दो एसिड में, ख़त्म। फिर बाकी तो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को ऑक्साइड बना दो, तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड होता है P4O10, ये मैंने बना दिया, ये उसका एक अच्छा खासा प्यारा सा ऑक्साइड है, और भी उसके ऑक्साइड्स होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, तो P4O10। फिर इस P4O10 को कन्वर्ट कर दो एसिड में, तो फॉस्फोरस का तुम कौन सा एसिड बना सकते हो, IC में H3PO4, तो ये मैंने लिख दिया H3PO4, है ना, कि मैडम ये H3PO4 आएगा। फिर अब क्या करें, अब मेरे को पूरी रिएक्शन का आंसर लिखना है कि आंसर क्या है, तो आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि P4 में मैंने H2SO4 डाला, तो H2SO4 डालने के बाद मेरे पास क्या बना, एसिड बना H3PO4 प्लस, जैसा कि मैं बताती हूँ H2SO4 टूट जाता है और टूट के कन्वर्ट हो जाता है H2O में और SO2 में, तो ये दोनों तो बने होंगे ही बने होंगे, बैलेंस मैंने रिएक्शन नहीं की है, बैलेंसिंग मैंने छोड़ दी है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास आयोडीन है, आयोडीन का आप ऑक्साइड बना लीजिए, ठीक है, आप आयोडीन का ऑक्साइड, तो आयोडीन का जो ऑक्साइड होता है वो होता है I2O5, बराबर। अब आयोडीन का एसिड बना लीजिए, वो होता है HIO3, ये इतना तो देखो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। अब इसका कोई तुमसे पूछेगा कंप्लीट रिएक्शन लिख दो, तो लिख दो कि I2 प्लस आपका H2SO4 एरो देकर क्या बन जाएगा, HIO3 प्लस, जैसे कि हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2O तो निकलेगा, SO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। बैलेंसिंग मैं छोड़ रही हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, कि बैलेंसिंग वाला जो काम है वो तुम लोग कर सकते हो,
उसमें तुम्हें मेरी नीड या मेरी हेल्प नहीं है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड बनाना है, देखो कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसका CO2 का कौन सा वाला एसिड होता है, CO2 वाला जो प्राणी है इसका कौन सा एसिड होता है, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए H2CO3 में। अब उसके बाद आप पूरी रिएक्शन लिख दो भैया, पूरी रिएक्शन, तो पूरी रिएक्शन क्या होगी, कार्बन प्लस H2SO4 एरो देकर H2CO3 प्लस आपका SO2 प्लस H2O। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो H2CO3 लिखा है ये कभी आपको वैसा नहीं मिलेगा, ये हमेशा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर ये हमेशा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे H2CO3 की जगह रहेगा H2O प्लस CO2। तो कार्बन के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ऐसा होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को सल्फ़र के साथ रिएक्शन करानी है, तो पहली स्टेप इसका ऑक्साइड बना लो SO2, दूसरी स्टेप उस ऑक्साइड का एसिड बना लो यानी कि H2SO4। तो अब अगर तुम्हें रिएक्शन लिखनी है इसका आंसर, तो क्या होगा, सल्फ़र प्लस H2SO4 एरो दे के एसिड कौन सा वाला बनाया, H2SO4 का, और गैस कौन सी रिलीज हुई, SO2 प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ फिर टूट जाएगी और टूट के फिर क्या बना लेगी, H2O प्लस SO2। तो इनडायरेक्टली अगर आप सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा H2O और दूसरा मिलेगा SO2, क्योंकि जो H2SO4 बनती है वो वापस से फिर से टूट जाएगी और टूट कर फिर वो वापस से उसी फॉर्म में चली जाएगी। तो नॉन मेटल्स के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ भी करता है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 ने इतना अच्छा अच्छा काम किया। अब हम आते हैं उसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे भैया, ये वाली रिएक्शन तो JEE के पेपर में भी पूछी गई है, और ये रिएक्शन जो अभी मैं बता रही हूँ ये बेसिकली आई है बायो मॉलिक्यूल्स नामक, हमने एक चैप्टर पढ़ा था वहाँ से आई है, ठीक है। जब आपके पास ग्लूकोज होता है, सबको पता है, अच्छा इसकी हेडिंग है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि जब आप लोगों के पास जो पर्टिकुलर क्या है, बोलो जब आप लोगों के पास वो पर्टिकुलर क्या है, आप लोगों के पास पर्टिकुलर H2SO4 है, तो वह एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे काम करती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है पानी को खींच कर बालों से उसके अंदर से निकाल के लेकर आ जाना, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम, सिंपल और कुछ नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ग्लूकोज है, सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसके अंदर से अगर मैं कहूँगी कि तुमने इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, वो C6H12O6 के अंदर जितना भी H है और जितना भी O है भगा दो, सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन, वो भी कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 टाइम्स ऑफ कार्बन, बाकी सब बाहर चला गया, उसको लिखेंगे 6 टाइम्स ऑफ H2O, ऐसा होगा। बताइए अगर आपके पास मान लेते हैं फ्रुक्टोज है, लेट्स से C12H22O11, अगर आपने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया तब क्या होगा, सारा का सारा पानी बाहर, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, और वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन बचेगा। तो आप चाहे ग्लूकोज लो, चाहे आप नीचे में उसका सुक्रोज लो, इस तरीके से वो उसकी क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। इसके अलावा अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस पर्टिकुलर H2SO4 को बहुत इम्पॉर्टेंट जगह यूज़ करते हैं, हम लोग इसको अल्कोहल से ईथर बनाने वाली प्रोसेस में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, अल्कोहल से जब हमको ईथर बनाना होता है तब हम उसको यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एक और जगह यूज़ किया जाता है, इवन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर अभी 12th तक तो पढ़ ही लिया होगा, खैर कि जब हमारे पास कोई एक अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल में अगर हम H2SO4 को एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करें तो H और OH को एलिमिनेट कर देता है, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, अल्कीन बनता है। ये भी उसकी खूबियाँ हैं, उसकी क्या है, खासियत है ये सारा। तो हमने उसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वाले मुद्दे पे भी बात कर ली कि अच्छा करके अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे अगर ये एक्ट करता तो क्या होता, सिर्फ कार्बन बचता। अगर ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए आपको 2 moles चाहिए होंगे अल्कोहल के, बट अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल के सिर्फ कितने मोल चाहिए होंगे, 1।
ये भी हमारी बातचीत हो गई। चौथे पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि इसकी मिसलेनियस रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। मिसलेनियस ही है ना कि कुछ छूट गया मेरे से, एक बार देख लेती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ये हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस मिसलेनियस है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा रिएक्शंस है जो ये शो करता है। तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन इस वाले प्राणी की वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब देखो, हम सब जानते हैं कि H2SO4 एक बेहतरीन एसिड है, बहुत ही प्यारा एसिड है ना। H2SO4 क्या है, एक बहुत ही प्यारा एसिड है। तो बेसिकली क्या होता है, H2SO4 अपने अंदर से H+ डोनेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। बट जब इसका हम H2SO4 से जब उसका H+ डोनेट करवा रहे होते हैं, तब आपका वो अपने आप डोनेट नहीं कर देता भाई, अरेनियस थ्योरी पढ़े हो ना। कोई भी एसिड अपना H+ तभी रहता है जब वाटर प्रेजेंट हो। तो H2SO4 को अगर आप पानी में डालेंगे तो H2SO4 अपने अंदर से एक H पॉजिटिव दे देगा और बाकी पार्ट वैसे का वैसी HSO4 नेगेटिव। फिर अगर आपने मान लेते हैं ऊपर प्रोड्यूस हुए HSO4 नेगेटिव में और पानी डाला, ढेर सारा पानी डाला, तो एक और H+ लूज हो जाएगा और क्या बचेगा, SO4 2 नेगेटिव। क्या बचेगा, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, बराबर। ये ऐसा रहता है। और पता है क्या, एक्सपेरिमेंट एक डिटर्मिनेशन किया गया आयोनिक इक्विलिब्रियम में। खैर मैंने ये चीज़ बताई है, इसको क्या कहते हैं, इसका K α की वैल्यू इसकी कैलकुलेट की गई कि यानी कि इसके डिसोसिएशन होने का इसका कितना एक्सटेंट है। तो पहली बार जब H2SO4 HSO4 नेगेटिव में टूटा तो K α आया था 10 के आसपास, और जब सेकेंड बार में HSO4 नेगेटिव H2O में टूटा तो उस वक्त K α आया था 1.2 × 10⁻²⁺ समथिंग। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि पहली बार जब H+ निकालने का मौका मिला तो यार वो तो फटफट 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 निकाल दिया उसने, है ना। ये मतलब जल्दी निकाल दिया। K α का ज़्यादा बड़ा आने का मतलब ये है मोर डिसोसिएशन या ईजी डिसोसिएशन, बहुत ही आसान डिसोसिएशन हो गया। लेकिन जब सेकेंड स्टेप में उसी HSO4 नेगेटिव से एक और H+ निकालने की बारी आई, तब 10⁻²⁺ में चला गया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का H2SO4 के HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बट HSO4 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में उसके बने रहने की टेंडेंसी कैसी है बोलो, कम है, ठीक है। ये जानकारी है, क्लियर है, बढ़िया। ये हो गई पहली मिसलेनियस रिएक्शन। चलो अब दूसरी मिसलेनियस रिएक्शन की तरफ आते हैं। दूसरी मिसलेनियस रिएक्शन हमारे पास क्या है, अब ये जो आप लोगों का H2SO4 नामक प्राणी है, ये H2SO4 और किन के साथ रिएक्शंस कर सकता है बताओ। तो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है, कैसे आया कहाँ से आया वो याद ना रखें, बट रिएक्शन याद रखें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं K4FeCN6। अगर इसके साथ हम लोग H2SO4 की रिएक्शन करवा देते हैं तो अब यहाँ से देखो तीन चीज़ें बनने वाली हैं, ठीक है। तीन चीज़ें आपको बनेंगी, वो याद रखना है। सबसे पहली चीज़ जो ये आपको याद रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी, साथ ही साथ में यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बनेगा, प्लस यहाँ पे आप लोगों का आयरन सल्फेट बनेगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो जाएगा। अच्छा और क्या होने वाला है, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट यहाँ बन जाएगा, एक आपको ये याद रखनी है। और अब एक आखिरी रिएक्शन जिसके बाद हमारे H2SO4 वाला पार्ट खत्म हो जाता है, वो ये कि अगर H2SO4 की रिएक्शन करवा दी गई किसी एक सॉल्ट के साथ, ठीक है, एक सॉल्ट के साथ। अच्छा अब देखो H2SO4 की एक खास बात है, तुम्हें पता है H2SO4 की खास बात क्या है, कि H2SO4 जो होता है ना आप लोगों का, ये बेचारा क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। नहीं मैडम, इसको तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग एसिड कहते हैं, हाँ भी, लेकिन इसको पगले जैसे कमज़ोर 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 क्यों कह रही हो, कमज़ोर इन द सेंस H2SO4 जो रहता है वो लेस वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या, जैसे आप लोगों के पास शहद है,
शहद को प्लेट के कॉर्नर में रखकर गिराने की कोशिश करो, तो शहद को बॉटम पॉइंट तक प्लेट के पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना। तो वैसे ही H2SO4 लेस वोलेटाइल है। और जो सॉल्ट आपको दिया गया है, अगर वो सॉल्ट उससे ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, एंड यूजुअली सॉल्ट ज़्यादा ही वोलेटाइल होते हैं, तो ऐसे में प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका है। सुनो सुनो, प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका है, प्रोडक्ट लिखने का ये तरीका है कि जो सॉल्ट में आपको अनायन दिख रहा है, ठीक है, अनायन जो आपको दिख रहा है, देखो सॉल्ट कैटायन से बना हुआ होता है और अनायन से बना हुआ होता है, तो आपको अगर सॉल्ट में जो अनायन दिख रहा है उस अनायन को बेसिकली आप कन्वर्ट कर दीजिए एसिड में, ठीक है, आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए एसिड में। और जो आप लोगों को कैटायन दिख रहा है सॉलिड का, मतलब सॉल्ट का, ठीक है, और उसको आप क्लब कर दीजिए अनायन के साथ, किसके अनायन के साथ, ऑफ गिवन एसिड, जो आपको रिएक्टेंट साइड एसिड दिया है उसके साथ। ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट। मैं एक या दो इलस्ट्रेशंस करके दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4, इसकी रिएक्शन मान के चलते हैं करवाई गई कल को NaCl के साथ, तो NaCl का जो अनायन है उसका एसिड बना दो। तो बोलो NaCl में अनायन कौन है, Cl का एसिड क्या होता है, HCl। और जो कैटायन बच गया इसको इस अनायन के साथ क्लब कर दो, बोलो क्या बनेगा, Na2SO4, क्या ये बना दूँ, नहीं, NaHSO4 ये बनाना। दोनों H लूज हो गए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, एक H होगा ना। फिर सिमिलरली अगर मान के चलिए H2SO4, इसकी रिएक्शन करा दूँ मैं CaF2 के साथ, तो जो अनायन है, अनायन कौन है, F, ये इसका एसिड बना लो, तो ये हो जाएगा HF, और जो ये CA है इसको SO4 के साथ कंबाइन कर दो। खैर अब कई लोगों को लग रहा होगा आप ये लिखिए, बट ये चीज़ होती नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ जो पॉसिबल है वो ये है CaSO4, बराबर, क्या पॉसिबल है यहाँ पे, CaSO4। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें डाला तो इसमें डालने से क्या क्या चीज़ें बनी, तो बताइए। तो ध्यान रखना, अगर सॉल्ट और एसिड की रिएक्शन हो रही है, जैसे H2SO4 प्लस KNO3, तो देखो NO3 से तुम कौन सा वाला एसिड बना सकते हो, HNO3 बना लो, और इस K को किसके साथ क्लब कर दो, आप SO4 के साथ क्लब कर दो। तो जब इस K को SO4 के साथ क्लब करोगे तब ये चीज़ बताओ क्या बन जाएगी। अब मैडम देखिए दो ऑप्शन है, आप K2SO4 भी बना सकती हैं, या फिर आपकी मर्जी आप KHSO4 भी बना सकती हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो K2SO4, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो एक एच लगा देना साथ में। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस आपके H2SO4 की, जो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म।